जी को इनवाइट करता हूँ। सुरेंद्र जी, इस पूरे 10 सीटों के चुनाव में आप सिर्फ एक सीट पर लड़ रहे हैं, फतेहपुर सीकरी। मैंने पहले और दूसरे राउंड के मुकाबले इस बार देखा कि कोई भी ज्वाइंट कैंपेनिंग आप लोगों की नहीं हो रही इस इलाके में, कोई परेशानी है? हमारी अपनी रणनीति है ब्रजेश जी, उस रणनीति के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और वो रणनीति जो है हमारी सफल है। आज की डेट में 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर है, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर है और निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या नाम जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को और कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। बाकी कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इससे हमें कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। सच बात यह है कि जनता क्या कह रही है इससे मतलब है। पॉलिटिकल पार्टियों का अपना और पॉलिटिकल पार्टियों के जो ज्वाइंट साथी लोग हैं, परहेज कोई रणनीति है या फिर हो नहीं पा रहा है? जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां ज्वाइंट कैंपेन कर रहे हैं। आपको अभी अगले 3-4 दिनों में 5 दिनों में आपको कई ज्वाइंट कैंपेन्स दिखाई देंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग ज्वाइंट कैंपेन भी करेंगे, हमारी समन्वय समिति की बैठक भी लगातार चल रही है और हर जगह पे जिले जिले में है। कल भी मैं फैजाबाद गया था, अयोध्या कल गया था, अयोध्या हम लोगों ने अपने साथियों के साथ बैठक करी और श्री अवधेश प्रसाद जी को जिताने का पूर्ण संकल्प लिया। हमारे जितने भी 5 न्याय और 25 गारंटी को हम लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम लोगों ने बांटा और जहां पर जहां स्थितियां हैं मेरे ख्याल से जो अयोध्या में, वो अपने आप में आपका रिजल्ट भी चौंकाएगा। और आने वाले समय में हाँ ये जरूर है कि हम लोग बड़ी चीजें नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है और जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं अपना वो उस हिसाब से काम करते हैं, जिनके पास असीमित संसाधन है वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो हमारे संसाधनों के साथ कोई फार्मूला बना है कि अपने अपने में प्रचार करो? नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जिले 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 के अध्यक्ष हो चाहे एक समन्वय समिति हो चाहे हमारे वर्कर्स हो, वो सारे के सारे के हमारे एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके काम कर रहे हैं और पूरा हमारा अपना फोकस लोकलाइज है, उनका फोकस मोदी जी पर है। हम बात करते हैं साहब स्थानीय मुद्दों की, हम पूछते हैं कि 2-2 बार और 3-3 बार के सांसदों ने आपका क्या विकास किया, क्या बात करी, कौन सा गांव गोद लिया था तो उसका क्या किया। नरेंद्र मोदी जी बात अनाप शनाप करते हैं, कभी बात करेंगे भारत पाकिस्तान की, कभी हिंदू मुसलमान की, कभी कहेंगे मंगलसूत्र को, कभी भैंस को चुराने लगते हैं और भैंस को बांटने लगते हैं और कभी जो है क्या नाम अलग अलग तरीके की बातें कर दो पाकिस्तान को भी बीच में ले आए। तो ये कभी भी मुद्दों की बात नहीं करते। अगर अयोध्या में मुद्दे की बात करेंगे या और किसी जगह पे मुद्दे की बात करेंगे, फतेहपुर सीकरी में मुद्दे की बात करेंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुद्दा हो चाहे पावर क्राइसिस का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों की कोई बात नहीं करेगा। आप सब लोग भी बात नहीं करोगे कि बाबूलाल जी के यहाँ पर जिस तरीके से बाबूलाल अपने एक निर्दलीय अपने बेटे को निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वहां पर, उनकी बात कोई नहीं करेगा। आज की डेट में फतेहपुर सीकरी में बाबूलाल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो अपने बेटे को निर्दलीय लड़ा रहे हैं, लेकिन कोई चर्चा कहीं पर नहीं, मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं, सुई पटक सन्नाटा है। और यही काम अगर किसी ने अपने प्रत्याशी एक दो चेंज भी कर दिए तो वहां पर पूरा हंगामा है। आप इस इलाके में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने सहयोगियों के लिए? हम इस इलाके में क्या एक्सपेक्ट करेंगे ब्रजेश जी, हम तो 10 की 10 सीटें जीतने की प्रत्याशा रखते हैं। बिना हमारे सामने तो जिस तरीके है प्रचार तो हमारा चल रहा है। अब हमें आपको जो आपके लोग हैं जो लोकल हैं वो उनको दिखाई दे रहा होगा, इस बात की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। हमारे पास 8,000 करोड़ का जहाज नहीं है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, हम अपने सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी रोज अरे जयंत चौधरी वाला हेलीकॉप्टर खाली हो गया, देख लो मिल जाए तो। अब वो जयंत चौधरी जी के बारे में हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे, उनका चुनाव खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। खत्म हो गया, संभल की तरफ, आगरा की तरफ, हाथरस की तरफ, जो राष्ट्रीय बहुत से उनके जो सबसे प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता थे क्या नाम चौधरी साहब रोहित जो थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। आपके सामने जो परिस्थितियां हैं आज की डेट में कि जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है जो मानक रूप से माने जाते हैं वहां से, उन सब लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई अधिकारी कोई है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने वहां पर उनके यहाँ पर तो वैसे थैंक यू सर, शुक्रिया। मैं दीपक रंजन को इनवाइट